चलो एक्शन। चलिए आज जो मैं स्टोरी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये 10 साल 12 साल पहले का एक स्टोरी है। उस टाइम मैं कॉलेज में पढ़ता था। तो क्या हुआ, एक दिन दोस्त लोग के साथ मिला और कलकत्ता में एक जगह है तारा तला बोल के। तो उधर जाने के बाद दोस्त लोग ने बोला कि यार चलो अड्डा उड्डा मारते हैं, थोड़ा चाय वाय पीते हैं। तो थे हम लोग 5-6 लड़के लोग, चाय वाय पिए उधर। फिर जो एक बंदा बोला यार चलो भूख लग रहा है यार, कुछ खाना उन्होंने कुछ खाना खाया। तो हम 4-5 दोस्त मिल के गए एक मिठाई का दुकान में। तो उधर ही हम लोग ने मतलब ये जो समोसा वगैरह होता है, कचौड़ी वचौड़ी, ये सब उन्होंने ऑर्डर किया। तो सब, हालांकि 5-6 लड़के लोग थे तो सबको एक एक प्लेट आया वो दिया। तो मैं बस समोसा लिया और जो प्लेट मिला वो लेके मैं बैठ गया नीचे। तो मैं बस 1-2 निवाला ही लिया, मतलब जस्ट 1-2 बाइट ही हुआ होगा। तो एक छोटा सा बच्चा, एक नंगा सा, मतलब पूरा नेकेड, मतलब 3-4 साल का होगा वो, और उसकी बहन, वो भी 2-3 साल की है। तो आया ऐसा, तो मेरे से भीख मांग रहा, भीख नहीं मांग रहा था, मतलब उसको इतना भूख लगा था कि वो ऐसे ही मांगते मांगते आया, मतलब कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। और एकदम ना, जो होता है ना, एकदम उदास सा चेहरा एक लेके, मासूम सा चेहरा लेके ना मेरे को देखे जा रहा था। अब मेरे को इतना फील हुआ वो चीज़ लेके, तो मेरे से खाया नहीं गया कि ये गरीब बच्चे, इन लोग को ना कपड़ा है ना कुछ, रहने क्या, अजीब कहाँ से होगा, क्या है, जो भी है। तो मैंने ना उसको बुलाया कि छोटू इधर आ, तेरे को ये खाना है। तो वो ऐसा बोला नहीं 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 खाना मुझे। मैं सोच में आ गया क्या हो गया ये, नहीं नहीं क्यों बोल रहा है। तो उसने मेरा जो हाथ पकड़ लिया और बोलता चलो आप मेरे साथ चलो। तो मैं, अपने दोस्त लोग था सब, तो वो लोग बोल रहे कहाँ जा रहा है। तो मैं बोला रुक भाई 10 मिनट में आ रहा हूँ, कहाँ लेके जा रहा। तो भाई गौड़ा मानोगे नहीं, मैं तो चलने लगा उसके साथ। तो ना एकदम एक पतली सी गली, मतलब वो तारा तला साइड में ही है गली, जगह का नाम उतना पता नहीं था, बस्ती टाइप का एकदम। तो गली के अंदर से चलते बने हम, वो और उसकी बहन और मैं। तो जैसे उधर गया ना, मैं देख के तो एकदम शॉक रह गया कि यार दुनिया में ऐसे भी आदमी लोग हैं कि, मतलब एक अजीब सा फील हो रहा था मेरे को। मतलब मैं जैसे गया ना, उसके जैसे काफ़ी, मतलब 10-12 बच्चे लोग थे। तो मतलब वो बच्चे लोग को, मतलब कुछ कपड़ा नहीं, मतलब क्या बोलूँ, खाने को कुछ नहीं, तड़प रहे हैं लोग भूख के मारे। मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब वो लोग इतना गरीब, इतना, मतलब कुछ है ही नहीं उन लोग के लिए। तो मैं वही सोच रहा था कि भगवान जो है, क्यों ये बच्चे लोग, जो गरीब इंसानी लोग, क्यों नहीं देखता है, क्यों सबको ऐसा नहीं बनाए कि उन लोग के पास भी पैसा हो, लोग भी खाए, हम लोग सब मिल बांट के रहें। जो मतलब पैसे वाले हैं वो भी जी रहे हैं अपने ढंग से, जो मिडिल क्लास हैं वो भी जी रहे हैं, लेकिन जो ये गरीब हैं ना, इनको कपड़ा है ना खाने को, जो है ना गवर्नमेंट भी लोग को देखें, जो रोड पर पड़े रहते हैं। और मैं जैसे एंट्री किया ना, मेरे को इतना फील हुआ, मैं सोचा काश अगर मैं बहुत पैसे वाला घर का होता या तो मैं उस लोगों को कुछ प्रोवाइड कर पाता या अपने हिसाब से कुछ उन लोग को दे पाता। तो मैं जो उधर ही खड़ा खड़ा, मेरा आँख से ना पानी निकल रहा, मैं एकदम शॉक हो गया कि ये बच्चे लोग, कुछ घर नहीं था, कुछ बाहर ऐसे पड़े हुए बिखरे हुए, 2-3 बच्चे लोग थे और अंदर 10-12 थे, सब ऐसे ही भूख के मारे तड़प रहे थे। तो मैं गया, मैं लेके आया खाना पी लोग के लिए। तो लोग मतलब खाने के पहले क्या रो रहे हैं, मतलब मैंने जैसे उसको खाना दिया ना, मतलब वो लोग खुशी के मारे रो रहे हैं कि मतलब उनके पास क्या आ गया। मतलब मैं वो चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, बट अंदर से एक फील क्या आ रहा है, मतलब जैसे उन लोग को खाना मिला ना, मतलब भूल गया दुनिया को हर चीज़ कि उन लोग को क्या मिल गया। जैसे हम लोग को नहीं तो कि पढ़ने के बाद हम लोग को अचानक से एक जॉब मिल गया और अरे यार पापा मुझे जॉब मिल गया। तो वो लोग ऐसा ही कि गरीबी देख देख के वो लोग के लाइफ में ऐसा हो चुका है कि अचानक से अगर कुछ ऐसा चीज़ मिल गया कि अरे यार भगवान आ गया, हम लोग खाने मिल गया। बस यही था, बस उस चीज़ को लेके मैं पूरा दिन डिप्रेस रहा, सोचता रहा कि दुनिया में मतलब भगवान ऐसे क्यों करते हैं। यही था बस।